अभी तक हमारे पास जो कंफर्म्ड खबर आई है वो 15 की है और अभी कुछ बच्चे सीरियसली घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है और अभी सीनियर अधिकारी लोग मौके पर हैं और रेस्क्यू वर्क अभी भी चल रहा है। यद्यपि सभी बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया है, अब गाड़ियों को सीधा करना, रोड्स को व्यवस्थित करना, ये कार्य चल रहा है। ये लोकल आदेश होता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के एक सक्षम अधिकारी के माध्यम से होता है। स्वयं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद हैं, वो इस पूरी बात की जानकारी करके जो भी निर्णय लेंगे। और अभी हमारा पूरा प्रयास यह है कि इसमें जिसके द्वारा भी ये घटना कारित की गई है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करें और बच्चों का जो रेस्क्यू वर्क है वो जो है सुचारू रूप से चलता रहे। हमारे सीनियर अधिकारी आईजी एटीएस इस समय खुद मोतिहारी में मौजूद हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड लिया गया है अक्यूज का, उनसे बातचीत की जा रही है और कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में हम और जानकारी करना चाहते हैं, वो जानकारी करने के बाद ही इसमें कुछ कहना उचित होगा।